Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu guys, how are you all? It's me Dr. Shahzadi and welcome back to my YouTube channel. तो जब आपको लगी हो बहुत ही ज़ोर की भूख तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अल बुखारी एंड तुर्किश रेस्टोरेंट, जद्दा का फेमस रेस्टोरेंट है ये। मैं यहाँ पे डिनर करने आई हूँ। इंट्रेंस में आपको सब कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होता है और बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में इसको मैनेज किया गया है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है। सिटिंग एरिया काफ़ी बिग है और स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। ये फैमिली हॉल्स वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं पार्टीशन करके, और बाहर जो है वो फ्रेंड फैमिली सभी बैठ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द सिटिंग एरिया। अब हम बात करेंगे कुछ खाने पीने की। तो ये जूसेस और कपकेक्स हैं जो कि बहुत ही मज़े के थे। देन इस साइड पे जो है आपको ये डेजर्ट्स नज़र आ रही हैं और स्वीट नज़र आ रही हैं। देन इस साइड पे सैलड है, स्टार्टर्ड वगैरह हैं और ये बहुत ही मज़ेदार थे। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि मैंने क्या शुगल मेले लगाए थे। अच्छा, यहाँ पे ये कुकिंग आपके सामने कर रहे होते हैं बहुत ही नीट एंड हाइजीनिक वे में। ये सारा जो है बारबेक्यू एरिया है। ये है जी सारे रोस्ट वगैरह, मंदी वगैरह, मतली कहते हैं या मंदी कहते हैं वही कमेंट में मुझे बताइएगा। और अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना जो फूड है, डिनर है। तो ये जो है स्टार्टर था, जो कि ये आप एक दफ़ा हर एक बंदे को फ्री में मिलता है, तो आप मुझे तो ये बहुत पसंद आया था। ये 500 है मेरे लिए, तो ये कुछ भी नहीं है। और ये भी 500 है। ये सारे 500 के नोट्स होते हैं गाइस। ये 100 की करेंसी है, ये 50 की है। मैं शो ऑफ नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आप लोगों ने इतना मजबूर किया कि आपके पास सिर्फ 100 रियाल है, तो मुझे शो ऑफ करना पड़ रहा है। ये 50 की है। अब हुआ ये था कि एक व्लॉग में मेरे पास 200 रियाल थे, वो मेरे हाथ में शो हो रहे थे, तो लोगों ने काफ़ी मजाक किया क्योंकि लोग बाज नहीं आते, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। टिकटॉक की कुछ वीडियोस थी जो मैंने बनाई हैं, पैसों के नाम बताए हैं। क्या मैंने सही नाम बताया है या गलत, आपने कमेंट में बताना है। ये भी मुझे बहुत पसंद है, इनका नोट। ये देखिए कितना प्यारा नोट है, हमसु मी आतुरियाल, हमसु मी आतुरियाल, शायद 500 मी आतुरियाल। मुर्शद सदका उतारो अपना, मेरा दिल आ गया है तुम पे। तो देखिए जी, ये है कुछ स्टाइल गुंडा टपोरी स्टाइल जिसमें मैंने टिकटॉक वीडियोस बनाई है। और इस वीडियो में बहुत ही प्यारी बात ये थी कि पैसा सब कुछ नहीं होता गाइस, ये हाथों की मैल होती है। ठीक है, आज मेरे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में होंगे। कभी भी पैसे पे मान ना करें, गुरूर ना करें। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो किसी को तख्ते देती है और किसी को फ़र्श पर ले आती है, और किसी को फ़र्श से उठा के तख्ते देती है। सो पैसों पर कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, अपना अखलाक बेहतरीन रखना चाहिए। देन हम जो है जूस ट्राई करने लगे थे। अलसवारा तुर्किया रेस्टोरेंट, दिस इज पोमेग्रेनेट जूस एंड दिस इज डिलीशियस, मजेदार। मैं दो दो पीती हूँ, आई विल चेक। दिस इज सोर, दिस वन इज गुड। ये वाला है अलजवारा तुर्किया होटल। अलजवारा तुर्किश खाने यहाँ पर मिलते हैं और फूड इज़ डिलीशियस। तो ये मैंने खाना खा लिया है और ये सब कुछ मैंने ही खाया है। ठीक है, दाल मैंने और भी मंगवाई थी पर मेरे से खाई नहीं गई। बहुत डिलीशियस खाना था यहाँ का, और मतलब एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ जाता है लेकिन इट्स डिलीशियस। सो अगर आप लोग यहाँ पे, मैं तो डिफरेंट फूड ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने वापस बार बार तो आना नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने अच्छी तरह से पर्दा किया क्योंकि मैं जो है गाउन में नहीं बाहर आई हूँ, मैं नाइट सूट में ही आ गई हूँ क्योंकि मेरे कपड़े मैंने लॉन्ड्री में दिए, तो इसलिए मुझे नाइट सूट में आना पड़ा। लेकिन मैंने शॉल रखी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने खाना खा लिया है, मज़ेदार। और ये जो चटनी है यहाँ की, सारे होटल्स के अंदर ना इसमें लेमन डाला हुआ है, प्याज डाला हुआ है, लेमन प्याज टमाटर ग्राइंड किया होता है, और हरी मिर्च है, नमक है, और बहुत मज़े की है। तो ये यहाँ पे यही यूज़ करते हैं चटनी के तौर पे, और बहुत अच्छा लगा। और इनके जो सलाद वगैरह होते हैं ना, ये देखें, ये पहले बॉईल करते हैं चीज़ों को, उसके बाद लाइट सा इसको जला देते हैं सीखों पे लगा के, तो ये इनका होता है। हरी मिर्च के साथ भी यही काम करते हैं, ये टमाटर के साथ भी यही काम करते हैं, तो दिस इज़ इट।
और बहुत मज़े का खाना था। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मक्का के पास किसी होटल में खाना चाहते हैं तो यहाँ के खा सकते हैं। रुको रुको, मेन चीज़ तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, और मेन चीज़ है बाथरूम, ये रह गया था तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखाई दूँ। वॉशरूम में आए तो ये देखिए हमारे के तुम चेक करें लेडीज वॉशरूम के अंदर हम क्या करें। ठीक है, यहाँ के वॉशरूम्स का सब तैयार इतने प्यारे हैं। ये देखिए नीट एंड क्लीन, हालांकि रेस्टोरेंट का है ना, लेकिन बट नीट एंड क्लीन। लुक एट मी, आई एम लुकिंग स्मार्ट क्यूट डॉल्फिन। तो जी, हम हैंड वॉश करने आए थे और हम हाथों को अच्छी तरह से धो लेंगे, और क्योंकि हमने खाना खाया था फोक और स्पून से, फिर भी हाथ जो है वो मैं वॉश कर लूँगी खाने के बाद। तो अच्छी तरह से खाना खाने के बाद अपने हैंड्स को वॉश किया करें, बाकी काम सब एक तरफ। और टिकटॉक की एक आधी वीडियो तो बनानी मस्त थी ना, तो हमने एक टिकटॉक की वीडियो बना ली है इस मिरर में, जो आप लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ हैं, तो मैं अलजवारा के वॉशरूम में हूँ। और ये था जी इनका आउटसाइड जाने वाला रास्ता, भी सेम ही है, जहाँ से आप आते हैं वहीं से आप जाते हैं। और अब अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर मैंने बिल दिया है और यहाँ से मैं बाहर निकल गई हूँ, और ये कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत सुकून था, बहुत मज़ा आया, खाना डिलीशियस था। तो ये मैं बाहर आ गई हूँ, ये कार पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है, और ये है मेरी कार। तो मैं जा रही हूँ अब वापस। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।